नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कामदा एकादशी किस दिन है? ये हिंदी कैलेंडर के साल की पहली एकादशी रहेगी। पुत्र प्राप्ति के लिए खास करके इस व्रत को रखा जाता है। और यहां आज के युग में ये कहें कि संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा जाता है, क्योंकि पुत्रियां भी पुत्र के बराबर ही हैं। आज के दिन पुत्रियां और पुत्र, ये बेसिकली हमारी संतान है। और संतान का स्वस्थ रहना, संतान का तरक्की पाना, संतान का दीर्घायु होना और संतान का स्वस्थ रहना, ये बहुत उत्तम होता है, बहुत जरूरी होता है। हर माता पिता सुखी होते हैं जिनकी संतान बहुत काबिल होती है। हर माता पिता सुखी होते हैं जिनकी संतान हमेशा स्वस्थ रहती है। हर माता पिता सुखी होते हैं जिनकी संतान हमेशा अपने माता पिता के साथ रहती है। अब ऐसा नहीं है पढ़ाई करने गए तो संतान पास में थोड़ी ना है, लेकिन दिलों से तो पास में है ना। दिल से दूरी नहीं होनी चाहिए किसी भी रिश्ते में। अब जब हम कामदा एकादशी की बात करते हैं तो ये व्रत 19 अप्रैल को रखा जाएगा। इस व्रत पर इस बार तीन तीन महायोग बन रहे हैं। और कौन से तीन महायोग बनेंगे कि अगर आप संतान की प्राप्ति के लिए कामना कर रहे हैं तो आपकी वो मनोकामना इस व्रत के माध्यम से पूरी हो सकती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है और सुख और समृद्धि आपके घर में आती है। तो आपने कामदा एकादशी का व्रत जरूर रखना है, अगर आप संतान की कामना कर रहे हैं या फिर आप सर्व सुखों की भी कामना कर रहे हैं कि आपके घर में हमेशा सुख बने रहे, समृद्धि बनी रहे, उसके लिए भी इस व्रत को किया जाता है। सबसे पहले हम योगों की बात करते हैं कि कौन से ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें ये व्रत जो है अति उत्तम रहने वाला है। पहला योग ध्रुव योग बन रहा है। और ध्रुव योग में कहते हैं किसी भी काम को करें वो काम सफल होता है, उस काम की गारंटी बढ़ जाती है। और ये योग महायोगों में कहलाता है कि इस योग में आप किए हुए काम कभी निष्फल नहीं होते हैं, हमेशा लाभ देते हैं। वृद्धि योग यानी हर काम को बढ़ाने वाला योग। कुछ लोग अपने काम की चेन खोलते हैं ना, वो वृद्धि योग में ही काम उन्होंने शुरू किया होता है। कहते हैं वृद्धि योग में अगर आप किसी भी कार्य को शुरू करते हैं या फिर आपके माइंड के अंदर ये चीज है कि हमें इस काम में कई गुना ज्यादा लाभ भी चाहिए और कई गुना ज्यादा हम इस काम को और बढ़ाना चाहते हैं, चेन जो खोलते हैं जगह जगह, जो डिफरेंट डिफरेंट चेन खोलते हैं एक काम की, पूरे वर्ल्ड वाइड कहते हैं छा जाते हैं वो लोग, तो वृद्धि योग में किया हुआ काम बहुत उत्तम होता है। अब ये वृद्धि योग बताएंगे कितने बजे तक है। वैसे तो ये बहुत लंबा समय तक का है वृद्धि योग, लेकिन अब बात करते हैं कि रवि योग। रवि योग भी बहुत उत्तम अच्छा योग माना जाता है। और खास करके ये योग जिनका मोटा कॉन्ट्रैक्ट कहीं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ क्लब हो रहा होता है, या फिर वहां अटक गई होती है फाइल आपकी, या आपका पैसा अटक गया होता है, फाइनेंस आपका अटक गया होता है, या फिर बड़े सीनियर आपको सता रहे होते हैं, कहते हैं रवि योग के अंदर आप उस काम की फिर से शुरुआत कर देते हैं या कांटेक्ट कर लेते हैं या एक दोबारा से एक रिकॉल जैसे हम कहते हैं किसी काम का करना, तो अगर उस पीरियड के अंदर करते हैं तो आपकी ये जो अड़चने हैं वो दूर हो जाती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये योग है कब कब। सबसे पहला हम देखते हैं कि ध्रुव योग जो है वो आपको फायदा तो देगा, ये है भी 19 तारीख का ही है, लेकिन जब हम वृद्धि योग की बात कर रहे हैं कि वृद्धि योग कितने बजे से है, तो वो सुबह 5:50 से लेकर के 10:55 के बीच तक का है। तो आप इस काम को इस पीरियड के अंदर, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि हमारी फाइल जो है कहीं स्टक है, सीनियर से बात करना चाहते हैं, तो इस पीरियड के अंदर करिए ना। और इस पीरियड के अंदर एक और उपाय भी बता देते हैं आप, भगवान विष्णु का आपने ध्यान करना है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ लीजिए इसी पीरियड इसी टाइम के अंदर,
और भगवान विष्णु के आगे अर्जी लगा दीजिए कि मेरा ये काम है, ये रुका हुआ काम है, जल्द से जल्द पूरा हो, जल्द से जल्द क्लियर हो, ताकि मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊं। इस बीच में आप पीरियड के बीच में आप अर्जी लगाइए, सही टाइम पर मौके पे ही तो चौका मारेंगे, तभी तो काम होती है। तो मौका निकल जाएगा हाथ से तो चौके मार करके आप क्या करेंगे। आप इस पीरियड के अंदर, या फिर आप उस सीनियर से बात कर लीजिए, अगर आप कर सके तो इस पीरियड के अंदर, इस टाइम के अंदर आप बात कर लीजिए। अगला वृद्धि योग की बात करते हैं। वृद्धि योग जो है ये है पूरा दिन ऑलमोस्ट ऑल, लेकिन ये रात तक का है। तो पूरे दिन में किसी भी समय आप काम खोल सकते हैं, कोई न्यू काम है। लेकिन हाँ, उसमें भी हम जरूर कहेंगे कि एक बार अपनी कुंडली के हिसाब से, आप अपने चार्ट्स के हिसाब से समय, नक्षत्र, योग, वार, तिथि, करण, ये सब भी पता कर लीजिएगा कि वो वार आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हमें योग तो सूट कर रहा होता है, लेकिन तिथि और वार हमें सूट नहीं कर रहा होता हमारी कुंडली के हिसाब से। तो आप उस चीज का खास करके ध्यान रख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आपने वृद्धि योग देखा और काम शुरू कर दिए। लेकिन हाँ, ये योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, जिससे आपको कई सारा फायदा मिल सकता है। भगवान विष्णु के 1008 नामों का जाप कीजिए, इस दिन करना चाहिए, बहुत उत्तम रिजल्ट देते हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या, कोई परेशानी हो, वो आपकी दूर होती है। भगवान विष्णु पूरा आशीर्वाद आपको देते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको इस समय नहीं करनी चाहिए, व्रत के दौरान खास करके, और वो भी कामदा एकादशी का व्रत नहीं करने चाहिए। तामसिक चीजों से दूर रहिए, दिन की निद्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने कहा कि संतान प्राप्ति के लिए अगर आप ये व्रत कर रहे हैं, तो आपको एक महा उपाय बता रहे हैं। आपने वृद्धि योग में, जो हमने समय आपको बताया है, वृद्धि योग में आपने इस पाठ का जाप करना है, संतान गोपाल पाठ। इस पाठ को एक बार आप पूरा पढ़ लीजिएगा, शुभ रंग के वस्त्र पहन करके आप पहनिए, पढ़िएगा, नीचे आसन जरूर रखिएगा और संतान गोपाल पाठ पढ़ लीजिएगा। इसी पीरियड के अंदर भगवान विष्णु से ध्यान करते हुए अर्जी लगाइएगा, भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित कीजिएगा, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आपने अपनी अर्जी लगानी है। और जो तुलसी आपने भगवान विष्णु को अर्पित करी है, वो आप संध्या के सूर्य अस्त के बाद में उठा करके प्रसाद रूपी रख लीजिएगा। अगली सुबह नहा धो करके द्वादशी तिथि जब लग जाती है, उसमें आपने ये तुलसी और थोड़ी सी मिश्री का सेवन कर लेना है, ध्यान करते हुए भगवान का कि ये प्रसाद है, इस प्रसाद से मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, मेरे घर में जल्द से जल्द संतान की उत्पत्ति हो और स्वस्थ संतान की उत्पत्ति हो, ताकि मैं आपके ये व्रत बहुत अच्छे से रख पाऊं। आने वाला व्रत जो है वो आप फिर जरूर रखिएगा, देखिएगा आपको कितना लाभ, कितना फायदा मिलता है। तो आपने इस उपाय को जरूर करना है। इनफैक्ट इस उपाय को बहुत सारे लोगों तक भी जरूर पहुंचाने हैं। कई बार हम लोग उपाय तो ले लेते हैं, हम बहुत सारे लोगों तक इसे शेयर नहीं करते हैं। तो आपने ये उपाय दूसरों तक भी शेयर करना है और मेरी आने वाली हर वीडियो को भी जरूर देखना है। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।